अभी का जो जर्नलिज्म हो गया है वो ऐसा हो गया है कि जो रूलिंग पार्टी है उससे सवाल मत पूछो, आपको सवाल ऑपोजिशन से पूछना है। जर्नलिज्म अभी ये जर्नलिज्म का एकदम ऑपोजिट साइड है। दरअसल देखिए, ये मुसलमानों को समझना पड़ेगा। अब ये कोई हिडन फैक्ट नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं। आंख तो खुला है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि डेफ डम एंड ब्लाइंड विल नॉट रिटर्न टू द पाथ, अंधा बहरा गूंगा वो सीधे रास्ते पे नहीं आएगा। जरूरत ना हो कि सूफी संतों के ऊपर, ये देश भारत देश सूफी संतों का देश है। इस देश में जब भी कोई भी आपदा आती है, कोई भी सरकार बनती है या गिरने के वक्त होता है, तो वो सबसे पहले सूफी संतों के दरगाह पे जाते हैं। यहाँ तक कि भारत के प्रधानमंत्री भी उस दरगाह पे जाकर माथा टेके हैं। मैं एंकरों को ये बता देना चाहता हूँ कि तुम भी दोबारा जाओ और वहां जाकर माफी मांगो सबसे पहले उनके। नफरत जब बेतहाशा हो तो कैसे ना तमाशा हो। ये ऐसे मानसिकता सोच के लोग हैं, इन्हें अमीर देवबन मत कहिए, इन्हें इब्लीस देवबन कहिए। ये ऐसे मानसिकता सोच के लोग हैं जिन्हें पीर वली और कुतुब शाहों की पहचान नहीं है। सिर्फ ये अपने आकाओं की फरमान पे चलते हैं, आकाओं की फरमान पे भूखते हैं। ये ऐसे मानसिकता सोच के लोग हैं जो भ्रष्टाचार सरकार की कोर की बीमारी की दलाली के दल में लपटे हुए। मैं जावेद हुसैन और आप देख रहे हैं JKB न्यूज़। इस वक्त मैं स्टूडियो में लाइव दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। जो मुद्दा है वो बहुत बड़ी मुद्दा है, छोटी मुद्दा नहीं है, बहुत बड़ी मुद्दा है। मैं आपको बताऊंगा जिस तरह से ख्वाजा गरीब नवाज मोहिद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह पे न्यूज़ 18 के अमीश देवगन जो हैं उन्होंने गरीब नवाज की शान में जो गुस्ताखी की है, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे ऐसे चैनल को, ऐसे एंकर को इस तरह से जो है नाजेबा जो है ज़बान दराजी नहीं करनी चाहिए। किसी को चिल्लाने से पत्रकार नहीं बन जाता है, मैं ये कहूँगा। चिल्लाने चीखने और चिल्लाने से पत्रकारिता उनको नहीं झलकती है। कोई अगर साइलेंस से काम करता है, कोई अच्छी तरह से काम करता है, तो वो भी एक पत्रकारिता होती है। लेकिन ये चीखना चिल्लाना हमेशा की तरह देखा गया है। कुर्ला में एक जो मस्जिद थी जब लॉकडाउन में, वहाँ भी उन्होंने कह दिया कि देखिए कितनी भीड़ है, नमाजें हो रही हैं। तो इस तरह की बातें उनको शोभा नहीं देती है, मैं ये कहूँगा। और आज इसी सिलसिले में हमारे तकरीबन 4 मुअज्जिज हजरात हैं, जो 4 खसूसी मेहमान हैं, मैं उनसे तारुफ कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये हमारे जो हमारे लेफ्ट साइड में बैठे हैं, हमारे लेफ्ट साइड में जो बैठे हैं इंडियन मुस्लिम लीग वेस्ट बंगाल हावड़ा डिस्ट्रिक्ट कमेटी के प्रेसिडेंट, जिनका नाम है मोहम्मद इमरान साहब। आपका बहुत बहुत स्वागत है JKB न्यूज़ में। और हमारे दाहिने तरफ जो हैं उमर अवैस साहब, ये जो हैं सोशल एक्टिविस्ट हैं और राजा बाजार शिरीन बाग के कन्वेनर भी हैं, ये मैं आपको बता दूं। तीसरे जो हमारे खसूसी मेहमान हैं, मैं बोलूंगा कि इस तरफ दिखाइए, ये हमारे गुड्डू शाह हैं जो सोशल एक्टिविस्ट हैं और नूरी मस्जिद के जो हैं जॉइंट सेक्रेटरी हैं। और हमारे चौथे जो खसूसी मेहमान हैं, मैं उनका भी तारुफ करा दूँ, ये हावड़ा सोशल रिफॉर्म कमेटी के महमूद खान साहब हैं। आज जो इस पे चर्चा करेंगे चारों मिलकर, तो आप देख सकते हैं। पहले मैं रूबरू हो जाऊं कि सबसे पहले मैं सवाल करता हूं इमरान साहब से। इमरान साहब, आप बताइए, जिस तरह से उन्होंने बदज़बानी की है, तो क्या उनको ऐसा करना चाहिए? क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज को एक समुदाय सिर्फ मुस्लिम ही नहीं उन पर यकीन और अकीदा रखती है, बहुत सारे समुदाय के लोग जो हैं, बहुत सारे जाति और धर्म के लोग हैं जो उनको जो है मानते हैं, उनके मज़ार पे जाते हैं, चादर चढ़ाते हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने एक ज़रूरी बात जो है वो कह देना चाहता हूँ कि मौजूदा हालात में आप सब देख सकते हैं कि चाइना और हिंदुस्तान के बीच LAC लद्दाख ऑक्यूपाइड जो बॉर्डर है वहाँ पर तकरीबन 20 जवान शहीद हो चुके हैं। और अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ करता हूँ कि उनकी शहादत को अल्लाह कबूल करे, जिन्होंने हिंदुस्तान के बॉर्डर पे हिंदुस्तानियों के लिए, हमारे लिए अपनी कीमती जानों को नहीं समझा और हमारे लिए उन्होंने जान दे दिया। दूसरा बात यह है कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के बारे में अमीश देवगन ने जो कहा, ये इसकी हम मजम्मत करते हैं और इसके ख़िलाफ़ इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग हावड़ा डिस्ट्रिक्ट कमेटी ने FIR भी दर्ज किया है हावड़ा PS में। कहने का मकसद ये है कि ये एक प्रोपेगेंडा के तहत काम हो रहा है, ये हमें समझना पड़ेगा। ये सिर्फ एक जर्नलिस्ट का मामला नहीं है,
दरअसल इनको एक गेटवे दिया गया है जी बीजेपी के तरफ से, आधी चड्डी पहनने वाले जो आरएसएस की ये जो पार्टी है बीजेपी, इसके तरफ से ये प्रोपोगंडा चलाया जा रहा है कि अब आपका काम यह है कि हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के महामारी के वजह से जो गवर्नमेंट फेल हो चुकी है, किसी भी तरह का मदद कर नहीं पाई है हिंदुस्तानियों के लिए, कि आपने देखा होगा कि रास्ते में लोग भटक रहे थे जिनके पास रेलवे ने खुद किराया नहीं दिया, कितने लोगों का माफ भी नहीं किया। ये सरकार आखिर चाहती ये है कि मुद्दे से भटकाना है हिंदुस्तानियों को, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दा है। बाबरी मस्जिद को लेकर इसने सियासत किया, अब बाबरी मस्जिद का फैसला ख़त्म हो चुका है। अब आप देख सकते हैं कि ये नया मुद्दा इन लोगों ने उठाया है जो हिंदू मुसलमान का मुद्दा है। केरला में एक हथनी मर गई तो उसको मुसलमान के ऊपर थोपा गया, तो इस तरह का जो वाक्या अभी चल रहा है कि मुसलमानों का जो सेंसिटिव इशू है, जो हमारा एक आप ये कह सकते हैं कि नस जो होते हैं ना कि दुखती नस पे हाथ देना, तो इन लोगों ने ये काम चालू किया है। और ये नई बात नहीं है, इससे पहले मैं इससे पहले का एक वाक्या याद दिला दूं आपको कि दीपक चौरसिया दीपक चौरसिया ने तबलीगी जमात को तालिबानी जमात कहा था, उस वक्त भी इसी तरह का एफआईआर होना चाहिए था ये दीपक चौरसिया के खिलाफ। मैं जानता हूँ कि हर जर्नलिस्ट इस तरह का बिकाव नहीं होता है। आप ये देखिए, कुछ गोदी मीडिया का मैं नाम आप लोगों के सामने कहना चाहता हूँ जो बीजेपी के डायरेक्ट दलाली करते हैं और उनके तमाम प्रोपोगंडा को ये मार्केटिंग करते हैं। अमीश देवगन, अर्नब गोस्वामी, जो ऐसे चिल्लाता है कि एक जर्नलिस्ट का, पहले हम लोग भी बचपन में दूरदर्शन में देखा करते थे बहुत सारे जो जेंटलमैन जिसे हम कहते हैं जर्नलिस्ट हुआ करते थे, तो उनको देखकर पता ही नहीं चलता था कि खबर का मतलब यह है कि आपको एक इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाना है। अभी का जो जर्नलिज्म हो गया है वो ऐसा हो गया है कि जो रूलिंग पार्टी है उससे सवाल मत पूछो, आपको सवाल ओपोजिशन से पूछना है। जर्नलिज्म अभी ये जर्नलिज्म का एकदम ऑपोजिट साइड है जी, जो कतई कोई भी ऐसा सोच नहीं सकता है। तो ये एक प्रोपोगंडा के तहत के मुद्दे से भटका दो जी। आपने देखा होगा, आपने बहुत सारे कोट्स ऐसे हैं जो आपने फेसबुक में पढ़ा होगा कि हिटलर ने ये कहा था कि पब्लिक आम जनता को इतना निचोड़ दो कि वो जिंदा रहने को ही तरक्की समझे। तो मेरा कहने का ये मकसद है, अमीश देवगन, अर्नब गोस्वामी, रजत शर्मा, दीपक चौरसिया, रूबिका लियाकत, श्वेता तिवारी, जब ये नोटबंदी हुई थी तो उस वक्त भी इसने ये कहा था कि नोट 2000 नोट के अंदर चिप है। अब बताइए ये सब आखिर इनके दिमाग में आता कहाँ से है? तो ये एक प्रोपोगंडा के तहत हर मुद्दे से भटकाने के लिए अब ये अमीश देवगन ने जो कहा है। तो मैं आपको ये बता दूं कि हम मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अल्लाह के रसूल और आखिरत पे यकीन रखने वाले कौम हैं, और ख्वाजा गरीब नवाज को सिर्फ हम नहीं चाहते हैं जबकि हिंदुस्तान के हर एक मज़हब को मानने वाले उनसे मोहब्बत करते हैं, चाहते हैं, और हर कोई हमारे साथ एक जैसा कंधे से कंधा मिलाकर इसके खिलाफ आवाज़ उठाएगा इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में। उनके दिमाग में ये उपज कैसे आई? ये तो मैं आपको कह रहा हूँ कि ये बीजेपी की चाल है जी। बीजेपी खुले, ये दरअसल देखिए, ये मुसलमानों को समझना पड़ेगा जी। अब ये कोई हिडन फैक्ट नहीं है जी। ये कोई ऐसा नहीं है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं जी। आँख तो खुला है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि डेफ डम एंड ब्लाइंड विल नॉट रिटर्न टू द पाथ, अंधा बहरा गूंगा वो सीधे रास्ते पे नहीं आएगा जी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमको आँख दिया है, इसका इस्तेमाल करना है, दिमाग दिया उसको चलाना है, जबान दिया उसको चलाना है, कान, हम तो देख रहे हैं सब कुछ। बीजेपी वन साइडेड मुसलमानों की दुश्मन हो चुकी है, इसके लिए हमको क्या करना चाहिए ये हमको सोचना पड़ेगा। एज अ पॉलिटिकल पार्टी लीडर मैं सिर्फ मुसलमान भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि आप लिटरेसी पे ध्यान दीजिए, एजुकेशन पे ध्यान दीजिए,
कि आप किसी भी मसलक से ताल्लुक रखते हो, आप किसी भी पॉलिटिकल समाज पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखते हो, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप कुछ भी काम करते हैं, मगर याद रखिए मुसलमानों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत अगर कुछ किसी चीज़ की है तो वो है एजुकेशन, एजुकेशन, एजुकेशन। ये बीजेपी सरकार को किसी के जान से कुछ लेना देना नहीं है। बीजेपी हर एक फौजियों के नाम पर वोट इकट्ठा करने पे लगी हुई है। तभी तो आप देख सकते हैं कि ये कोरोना वायरस कोविड 19 के महामारी के आफत के वक्त में भी इसको फुर्सत नहीं मिला के प्रवासियों को घर भेजे, मगर इसको इतना फुर्सत मिल गया कि 72,000 LED लगाकर ये अपना मार्केटिंग कर सके। तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के इतिहास में अगर कोई कहते हैं ना, हम अपने ज़बान में कहते हैं निहायती बेशरम पार्टी अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। बहुत बहुत शुक्रिया। और भी हमारे खसूसी मेहमान हैं, उमर वैस साहब हैं, मैं इनसे मुखातिब होऊंगा। आज जो हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह के बारे में जिस तरह से ये बात कही है, एक शर्मनाक बात है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जावेद हुसैन साहब का कि आज इन्होंने अपने स्टूडियो में इस अहम मुद्दे पे बात करने के लिए हम सबको मदऊ किया। मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और उसके साथ आज हम लोग कई दिनों से काफ़ी दुखी चल रहे हैं इस बात को लेकर कि हमारे देश के तकरीबन 20 नौजवान जो है वो शहीद कर दिए गए हैं देश की सुरक्षा के लिए। उसके लिए हम सब काफ़ी दुखी हैं, लेकिन इस दुखद घटना को भी बयान करने के लिए हम आपके स्टूडियो में पहुंचे हैं और बात आएगी। ये जो आपने अभी सवाल किया अमीश देवगन के बारे में, ये अभी हमारे भाई ने बहुत ही पूरी डिटेल्स बहुत अच्छी तरीका से उन्होंने समझाया। बस उनमें चंद बात मैं कहना चाहूँगा कि अमीश देवगन या इस तरह के जिन एंकरों का नाम अभी भाई ने लिया, ये लोग एक्चुअली बिकाऊ हैं। सब तो नहीं हैं, लेकिन कुछ मीडिया के एंकर जो हैं ये बिकाऊ हैं और ये पैसे के लिए इस तरह का काम करते हैं ताकि देश के अंदर हिंदू मुस्लिम के बीच में नफरत की दीवार खड़ी हो जाए। जब कोरोना का मामला हुआ तो कोरोना एक बहुत ही ख़तरनाक वबा है, आज भी है, आज भी देश के अंदर कोरोना बढ़ ही रहा है, लेकिन उस वक्त इन एंकरों ने माने देश के सरकार से ज़्यादा इन एंकरों ने कोरोना के अंदर में हिंदू मुसलमान को तलाश कर लिया जी। और तबलीग जमात वाले के ऊपर डाल दिया कि तबलीग जमात वालों ने कोरोना बम लेकर घूम रहे हैं, लफ्ज़ इसी तरह का इस्तेमाल किया कोरोना बम जी। मैं इन्हें यह बता देना चाहता हूं कि ये भारत वो देश है जिस देश के अंदर में, जिस मिट्टी में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई तमाम का खून है। तुम्हारे भड़काने से यहाँ की आवाम भड़क नहीं सकती। हाँ, कुछ लोग हैं जो टके पे बिकने वाले लोग हैं, वैसे लोग भड़क जाएंगे, तुम्हारे भड़काव में आ जाएंगे और हो सकता है कि कुछ लोगों की बीच में नफरत की दीवार खड़ी हो, लेकिन आज भी इस देश के अंदर इंसानियत ज़िंदा है, इंसानियत ज़िंदा है। यही वजह है कि अब भारत देश जो है अब भी इंशाअल्लाह रहमान तरक्की करेगा, लेकिन जब तक इस जैसे हुकूमत, ये नापाक हुकूमत इस देश में रहेगी, तब तक भारत तरक्की नहीं कर सकता। तो मैं कड़ी निंदा करता हूँ इनका, अमीश देवगन का, और मुतालबा करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से कि इनको जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए और इन जैसे पत्रकारों को और एंकरों को जेल के पीछे सलाखों के पीछे ढकेला जाए ताकि किसी की दोबारा ज़रूरत ना हो कि सूफ़ी संतों के ऊपर। ये देश भारत देश सूफ़ी संतों का देश है। इस देश में जब भी कोई भी आपदा आती है, कोई भी सरकार बनती है या गिरने के वक्त होता है, तो वो सबसे पहले सूफी संतों के दरगाह पे जाते हैं। यहाँ तक के भारत के प्रधानमंत्री भी उस दरगाह पे जाकर माथा टेके हैं जी। मैं इन एंकरों को ये बता देना चाहता हूँ कि तुम भी दोबारा जाओ और वहाँ जाकर माफ़ी मांगो, सबसे पहले उनके दरबार में जाकर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में जाओ और जाकर के वहाँ माफ़ी मांगो और हुकूमत से एडमिनिस्ट्रेशन से ये आग्रह करेंगे कि इन कमबख्तों को सलाखों के पीछे ढकेला जाए। अभी जो मसला है हमारे 20 नौजवान जो शहीद हुए हैं, तो क्या विदेश नीति का ये नाकामी नहीं है जो हमारे सैनिकों को शहीद कर दी जाती है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल उठाया। मैं पहले ही इस पे बहुत दुख का इजहार कर चुका हूँ और तमाम भारतवासी दुखी है, लेकिन जब भी जवान शहीद होते हैं, मैं ये कुछ वक्तों से देखता आ रहा हूँ कि इसके पीछे कुछ ना कुछ सियासी पहलू होता है जी। अभी बंगाल और बिहार के अंदर
इलेक्शन का वक्त है, और जब भी इलेक्शन का वक्त होता है तो ये सरकार इसी तरह से करती है कि कुछ नौजवानों को शहीद करके सैंपैथी लेना चाहती है और उसके बाद जो है ये इलेक्शन का इशू बनाती है कि हमने इस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक किया। और इनके कुछ लीडरान, कुछ लोग चाइना के प्रोडक्ट का बायकॉट करते हैं और दिखाना चाहते हैं कि मैं चाइना के प्रोडक्ट का बायकॉट करता हूं। मैं कल ही के या परसों का न्यूज़ देख रहा था, उसमें जो है अर्नब गोस्वामी ने चाइना के प्रोडक्ट का बायकॉट करने का ऐलान कर रहा है और उस पर चला रहा है इस प्रोग्राम में, लेकिन उसके सामने वीवो का ऐड चल रहा है जी। आप ये बताइए कि इस देश के अंदर BCCI का जो चेयरमैन है वो जय शाह है, और BCCI का जो स्पॉन्सर है वो कौन कंपनी है? वीवो है। इसी तरह से आप यूनिटी का स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू बना है महाराष्ट्र के अंदर, उस स्टैचू का जो बनाने वाला है जो कंपनी है वो भी चाइनीज है जी। तो पहले तो चाइनीज कंपनी का बायकॉट करने से मसले का हल नहीं है, बल्कि हमारे प्रधानमंत्री का वो जुमला मैं दोहराऊंगा जो वो कहते हैं कि भारत को आत्मनिर्भर बनना है, तो सबसे पहले मैं उनसे आग्रह करूंगा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाए, खुद कफील बनाए, अपनी प्रोडक्ट माने अपने देश के अंदर मोबाइल और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। 68% जो मोबाइल हैं, जो फ़ोन हैं, वो चाइना से आते हैं। 82% मेडिसिंस के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो चाइना से आते हैं। इसी तरह से अभी एक उनका नारा है, लोकल को वोकल बनाइए, तो क्या ये नाकामी लगती है आपको कि मेड इन चाइना जिस तरह, मेड इन इंडिया जिस तरह से नाकाम हुई है, ये लोकल और वोकल का जो फंडा है ये भी नाकाम होगी, इनका जो स्लोगन है? बिल्कुल, जाहिर सी बात है। एक्चुअली हमने क्या कहा कि जब तक ये देश के अंदर हिंदू मुसलमान और इस तरह से गाय गोबर की राजनीति होती रहेगी, देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। इसका ये सबूत है कि आज चाइना जैसे कंट्री से हम आँख नहीं मिला पा रहे हैं, हम डर रहे हैं, खौफजदा हैं। हमारी सरकार इस बात को लेकर खौफजदा है कि अगर हमने चाइना के ऊपर हमला किया तो हमारी अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो आखिर ये डर का माहौल क्यों पैदा है? इसलिए कि हम आत्मनिर्भर नहीं हैं। हमें हर एक को आत्मनिर्भर बनाना है, खुद कफील बनाना है। हम अपने देश में अपने प्रोडक्ट को हम बाहर बेचेंगे, ना कि हम बाहर से प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो यहाँ ज़रूरत इस बात की है कि हमारे यहाँ जो लोकल और वोकल का ये सब इनके जो है जुमले हैं, और आपको जैसा मालूम ही है कि बहुत सारे जुमलेबाज ही इनकी चलती है, और तो कुछ है नहीं। देश के अंदर अभी तक कोई भी उन्नति का काम हुआ नहीं है, कोई भी तरक्की का काम नहीं हुआ है। इसीलिए हम ये आग्रह करते हैं प्रधानमंत्री से और ये सरकार से कि आप जो है पहले देश को आत्मनिर्भर बनाएं। सिर्फ ज़बा खर्ची से काम नहीं चलेगी, बल्कि काम करके दिखाना होगा। वज़ीर आज़म, हिंदुस्तान के जो वज़ीर आज़म है वो विदेश का यात्रा करते हैं, बहुत सारा पैसा उन्होंने खर्च किया है विदेश यात्रा पे, तो क्या इनकी नाकामी नज़र आती है? वो चीन के जो लीडरान हैं उनको बुलाते हैं, उनको झूला झूलाते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे यहाँ के जो प्रधानमंत्री की जो पॉलिसी है, हो सकता है मेरी बातों से अंधभक्त जो हैं, जो आँख बंद करके बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं और सच्चाई से मुंह मोड़ते हैं, उनको बुरी लगेगी। और मैं देखता भी हूँ ऐसा कि इस तरह की जब भी बातें आती हैं तो लोग उसी नज़रिए से देखते हैं और बहुत सारे इसमें गलत और गंदे कमेंट्स भी करते हैं, तो उसकी परवाह नहीं करता हूँ। लेकिन बस ये हमारे जो देश की जो पॉलिसी है, मैं एक अदना नागरिक होने के नाते, एक भारतीय नागरिक होने के नाते, हम इस पॉलिसी से खुश नहीं हैं। और हमारे जो प्रधानमंत्री आज 6 सालों से विदेश यात्रा कर रहे हैं, तो इस विदेश यात्रा से क्या फ़ायदा हुआ मुझे तो नज़र नहीं आए। बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए। हमारे और भी खसूसी मेहमान हैं, गुड्डू शाह साहब, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि आप अपना जो है सबसे पहला सवाल ये है कि आप ये बताएं कि जो हज़रत मोहिद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जो अमीश देवगन है उन्होंने इस तरह का बयान दिया है कि लुटेरा आया और सारे मुसलमान बन गए हिंदुस्तान में, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? बेशक, सबसे पहले मैं जेके न्यूज़ के तमाम हाजिरीन महफिल को सलाम पेश करता हूँ, तमाम सामईन को सलाम पेश करता हूँ, देखने वाले सामईन को। पहले मैं उनका एक विर्द सुना देता हूँ, अभी अभी मेरे दिमाग में आया। बिगड़ दबे बला उफ्तदा कश्ती, ज़ईफ़ान शिकस्त रह तो पुश्ती, बेहक के ख्वाजा उस्मान हारूनी, मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुइनुद्दीन चिश्ती। नफ़रत जब बेतहाशा हो
तो कैसे ना तमाशा हो जी। ये ऐसे मानसिकता सोच के लोग हैं, इन्हें अमीश देवगन मत कहिए, इन्हें इब्लीस देवगन कहिए। ये ऐसे मानसिकता सोच के लोग हैं जिन्हें पीर वलियों कुतुब शाहों की पहचान नहीं है जी। सिर्फ ये अपने आकाओं की फरमान पे चलते हैं, आकाओं की फरमान पे भूखते हैं। ये ऐसे मानसिकता सोच के लोग हैं जो भ्रष्टाचार सरकार की कोड़ की बीमारी की दलाली के दल में लपटे हुए जी। दलाली के दल में लपटे हुए इंसानियत का खात्मा कर रहे हैं, मगर इंशाल्लाह जिस दिन इसका खात्मा होगा उस दिन इंसान सच्चाई की ओर कदम बढ़ाते हुए सारा हिंदुस्तान जश्न मनाएगा जी। आज ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को लुटेरा कह रहे हैं। इन्हें ये पता है कि फ़कीर लूटने नहीं आता है, फ़कीर इंसानियत का पैगाम लुटाने आता है, फ़कीर दौलत का ख़जाना लुटाने आता है, फ़कीर लूटने नहीं आता। वो राह हक दीने पैगाम इंसानियत का पैगाम देने आए थे, वो लूटने नहीं आए थे। उन्होंने एक अनासागर में सारे इंसानियत के कटोरे में इंसानियत को उन्होंने एक कटोरे में समेट लिया है। आप यहाँ आप ये देखिए कि शहर अजमेर में वहाँ तमाम मजहब, तमाम नस्ल, तमाम फिरके के लोग वहाँ उनके दर ख्वाजा के दर पे जाके सर झुकाते हैं। ख्वाजा ये मोहम्मद के शहर के अगर देखना है तो मोहम्मद के सर के बाजुए हसनी हुसैनी के शहर अजमेर के शहर जाकर देख लो कि ख्वाजा के दर पे कितने लोग सर झुकाते हैं। वहाँ सबकी मुरादें पूरी होती है, शहनशाह भी वहाँ उनके दर पे सर झुकाते हैं। मैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के बारे में ये कहूँगा कि अंदाज़ खुदावंदी भी देखी, एजाज़ बंदगी भी देखी, आका रसूल की परवाज भी देखी, मकाम कौसैन पे नूर की मुलाकात नूर से देखी, शम्स तबरेज की मुलाकात शम्स से देखी, शम्स तबरेज की मुलाकात शम्स से देखी, साबिर कलियरी की भूखे रह के वो लंगरी भी देखी, निज़ामुद्दीन की वो निज़ामियत भी देखी, कुतुबुद्दीन की वो कुतुब की पहचान की मीनार कुतुब भी देखी, और ख्वाजा ख्वाजगान की वहाँ जो जयपाल जोगी थे उस जोगी जयपाल की परवाज भी देखी, और ख्वाजा ख्वाजगान की खड़ाओं की करामत भी देखी, कदमों में गिरे जो वो जोगी जयपाल से बनते हुए अब्दुल्ला बेअबानी भी देखी। ये है ख्वाजा ख्वाजगान की करामत। आज पीर वलियों के बारे में ये कहते हैं, इन्हें ये नहीं पता कि पीर वलिय इंसानियत और राह हक की पैगाम का दीन देने आते हैं। अगर वो लुटेरा होते तो सारे हिंदुस्तान में आज हमारे रसूल एक शहनशाह आका रहमतिल आलमीन है, वो बाजुए हसनी हुसैनी हैं। आज उनके देखिए वो फटे पुराने कपड़े में जो शाह थे, पूरे बादशाह थे, वो फटे पुराने कपड़े में रह गए। उन्होंने शाहों की तरह तख्त तो ताज को ठुकरा दिया। आज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह कहते, एक जो पृथ्वीराज चौहान उनके दर से अगर एक उठनी को उठा ना सका तो वो हम मुसलमानों को क्या उठा सके। आज ये अमीश देवगन इब्लीस देवगन कहता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमत लुटेरे थे, आज उन्हें चिश्तिया जाम पिलाना पड़ेगा, चिश्तिया जाम पिलाकर उन्हें यह बताना पड़ेगा कि आओ देखो ये फकीरों के वो फकीर है, अरे ये हम फकीरों से निस्बत रखने वाले खुशकिस्मत अमीर है, तुम्हारे बाप शैतान आकाओं की तरह झोला लेकर चलने वाले फकीर नहीं है। फकीर वो होता है जो दो दिलों को मिला दे उसे फकीर कहते हैं, जो दो दिलों में दरार पैदा कर दे उसे फकीर नहीं कहते हैं जी। मैं ये बताइए, मीडिया का एक तबका जो है, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मीडिया का जो एक तबका है क्या हिंदू मुस्लिम को निशाना बना रही है, और इसके पीछे किसका हाथ है? देखिए ये तो निशाना वो चलती बंदूक के तहाने पे हैं, हमें मालूम है कि हम उनके निशाने पे हैं। ये तो आरएसएस का एक चाल है कि वो एक शुरू से मुसलसल हमारी कौम हमारी शरीयत पे हमला कर रहा है। आज हम खामोश हैं लेकिन वो हमारी खामोशों को अपनी कामयाबी ना समझे, हमारी कमज़ोरी को वो अपना सीना जोरी ना समझे, हमारी सब्र को वो अपनी कामयाबी ना समझे। अगर मुसलमान सब्र करना जानता है तो तुम्हारी कब्र भी खोदना जानता है।
बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे और भी मेहमान हैं, महमूद खान साहब, मैं उनसे रूबरू हो जाऊंगा वहीं से। महमूद खान साहब, बताइए कि जिस तरह से अभी हमारे ख्वाजा गरीब नवाज को इस तरह से जो मीडिया का जो एक एंकर है अदना सा छोटा सा, जो इस तरह से वो बताता है कि लुटेरा है, आया था लुटेरा और पूरा मुसलमान बना दिया, इस पर क्या बोलना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। देखिए, ये एक बहुत सोची समझी साजिश है बीजेपी का। बीजेपी आज जो नीति पे खरा नहीं उतर पा रही है वो एक प्रोपोगंडा फैलाकर हम लोगों को एक तरफ कन्वर्ट करना चाहती है। क्योंकि आप अब सवाल पूछेंगे, चाइना आग दिखा रहा है, आप सवाल पूछेंगे, नेपाल आंख दिखा रहा है, आप सवाल पूछेंगे, तो आप सवाल ना पूछें, आप इन सूफी संतों के झमेला में फंस जाएं और आप अपने मुद्दे से भटक जाएं। उनका ये बस एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश है, वरना उनके खिलाफ भी हम प्रोटेस्ट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए। नाज़रीन, आपको बता दूं कि भारत में चीन की मौजूदगी हर जगह देखी जा रही है, मैं ये आपको बता दूं। जैसे कि मैं आप मिसाल के तौर पे मैं बताना चाहूँगा कि मलेरिया की दवा जो है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को देखिए, इस दवा का जो है इंग्रेडिएंट जो है चीन से इंपोर्ट किया जाता है। ये बहुत बड़ी बात है कि बहुत सारी दवाओं का जो मैं बता दूँ आपको कि 70% इंग्रेडिएंट जो है वो चीन से मंगाई जा रही है। और यहाँ पे आपको ये भी बता दूँ कि अगरबत्ती हो या मोमबत्ती हो वो भी चीन से आ रही है। तो ये मेक इन इंडिया का क्या नारा लगाया जाता है मुझे समझ में नहीं आती है, कि मुझे समझ में इस बात को नहीं आता है कि अगरबत्ती हो या मोमबत्ती हो या दिया हो, सारे चीज़ वहाँ से आ रही है प्रोडक्ट बनकर। तो इस तरह से जो है जो कहा गया है कि मेक इन इंडिया, तो ये मेक इन इंडिया कब बनेगी वो हम लोगों को इंतज़ार रहेगा। और मैं अपने देशभक्त से बोलना चाहूँगा, जो हमारे देशभक्त हैं, मैं उनसे बोलना चाहूँगा कि ज़रा दिमाग से सोचिए कि आज 6 साल से जो इस देश का दुर्दशा हुई है, इस पर थोड़ा सा आप ध्यान दें कि क्या दुर्दशा हो गई है इस देश का। देखिए, ये कॉपी है, ये देखिए, ये इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग वेस्ट बंगाल हावड़ा डिस्ट्रिक्ट की ये जो कॉपी है, देखिए एफआईआर की गई है। आप देख सकते हैं अमीश देवगन के ख़िलाफ़ इस तरह से जो उसने नाज़ेबा हरकत किया है उसने, ये देख सकते हैं। और भी हमारे पास बहुत सारे कॉपीज़ हैं, ये देखिए हावड़ा सोशल रिफॉर्म कमेटी के भी जो हैं, ये देख सकते हैं कि ये सारे हैं। यूनाइटेड फोरम फॉर नेशनल इंटीग्रिटी के भी जो हैं उन्होंने भी किया है। तो इस तरह से मैं बता दूं कि तकरीबन लाखों हिंदुस्तान में इस तरह से एफआईआर दर्ज हो रही है। इसका इंसाफ जो है ये कानून को करना है, कानून कैसे करती है वो जनता देखती है, देखेगी कि क्या किस हिसाब से उनको इंसाफ मिलती है जो इस तरह से गुस्ताखी की गई है। और लोगों को मैं बता दूं कि हिंदुस्तान को एक सेकुलर मुल्क बनने की ज़रूरत है, ये बहुत ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया जेकेबी न्यूज़ देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।